सब्सक्राइब करना है, इसको क्लिक करना है और एक बेल आइकॉन आएगा तो उसको क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें। पहला प्रश्न, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखो, कोई 5। दूसरा, अपवर्तन के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की सारणी बनाइए। चौथा, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख चित्र खींचकर अपवर्तन के नियमों को समझाइए। पांचवा, परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आलेख द्वारा समझाइए। छठवां, धातु संचारण से क्या समझते हो, धातु संचारण से बचाव के उपाय लिखिए। सातवां, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। आठवां, धातु तथा अधातु में कोई 5 अंतर लिखिए। नौवां, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण क्रमांक चित्र बनाइए एवं संचारण से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। दसवां, अभिधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। दूसरा, इसमें रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। ग्यारहवां, कारण बताइए, प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, और सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। बारहवां, हाइड्रा में मुकुलन को नामक चित्र से समझाइए और लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। तेरहवां, अमीमा में द्वि विखंडन की विधि द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया चित्र सहित वर्णन कीजिए। चौदहवां, परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। पंद्रहवां, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामक चित्र बनाइए। सोलहवां, मानव के नर जनन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। सत्रहवां, मानव के मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। और अठारहवां, स्व परागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।